व्यवधान चीन पाकिस्तान भारत हाथ में एवं ब्रह्मास्त्र वायुसेना मुख्य बड़ बयान एवं शत्रु लगे प्रस्तुत महाकाल आकाश में प्रस्तुत रही ब्रह्मास्त्र सुखोई एवं ब्रह्मोस मिशी महाअस्त्र थर थर कंपिवे भारत शत्रु चीन और पाकिस्तान छाती में छनका सावधान आउ चलिबनि तुम बदमाशी कारण प्रस्तुत हैरानी महाकाल वायुसेना मुख्य बड़ बयान भारत हाथ में एवं ब्रह्मास्त्र भारत हाथ में ब्रह्मास्त्र भारत रही ब्रह्मास्त्र नहीं एवं सूचना देखते भारत वायुसेना मुख्य भी आर चौधरी से कहते ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल और सुखई 30 मिशा फल ब्रह्मास्त्र जहाँ भारतीय वायुसेनार मारक क्षमता को अनेक गुण में बढ़ाई देकोसी संघर्ष में भारत दक्षता को अधिक सुदृढ़ कर आहरी केवल से नुहे आग को अधिक मारात्मक हो कारण प्रस्तुत होउची ब्रह्मोस आडवांस वर्जन आसंतु सुनिबा कौन कहिसंती एयर चीफ मार्शल भी आर चौधरी शत्रुं प्रस्तुत महाकाल जो देखा कि वायुसेना भारतीय वायुसेनार मारक क्षमता को अनेक गुण में बढ़ाई देती जेकोसी संघर्ष में भारत दक्षता को अधिक सुदृढ़ कर आहरी कहते आग को अधिक मारात्मक हो कहीं ब्रह्मोस आडभांस भर्सन आसूरी एयर चीफ मार्शल भी आर चौधरी विस्तृत भाव में कहते जो भारत ब्रह्मास्त्र नहीं बड़ सूचना देखते भारतीय वायुसेना मुख्य जितेबाला शत्रु को ये कड़ा चेतावनी कहींपर थर थर कंपिवे भारत शत्रु चीन और पाकिस्तान छाती में जितेबाला छनका पशि जो भाव में गोटेपटे देखु चीन अनेपटे पाकिस्तान जो बदमाशी करुंचे आउ से बदमाशी चलबनी कहीं महाकाल प्रस्तुत होती भारतीय वायुसेना मुख्य बड़ बयान देखते भारत हाथ में एवं ब्रह्मास्त्र ए ब्रह्मास्त्र को लेकिन चीन और पाकिस्तान ये भयभीत रे कहीं सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जदि आ कथा विशेषत्व कथा कह ध्वनि स्पीड में सात गुणा अधिक माने मैक्स 7 को टपिज सात गुणा बेगर शत्रु पर विजय लाभ कर क्षमता हासिल कर अनुमान करूँ ये केते देखा कि शत्रु जमी रही महाकाल और शत्रु बेस विपज्जनक सुपर सोनिक रु हाइपर सुपर सोनिक हे ब्रह्मोस ब्रह्मोस ठारू बंची पारिबनी कोनोसी शत्रु आवाज कथा कह आवाज दौड़ में सात गुणा अधिक शब्द विनाशक हो ब्रह्मोस ये हूँ तार मुख्य विशेषत्व The point is that as one of our most lethal air combat assets, the supersonic BrahMos missile has really galvanized the way we will equip ourselves with precision firepower in the coming years. This the combination of the BrahMos and the Sukhoi 30 has really given us tremendous capability that has enhanced our firepower. It has made the deterrence value of the Indian Air Force go up by leaps and bounds. The capability of this weapon, you are all aware, and along with the upgraded BrahMos and even the forthcoming BrahMos NG, I think this will remain the primary deterrent weapon possessed by the Indian Air Force. आपण शुणुले जितेबाला देखा कि वायुसेना मुख्य बड़ सूचना देखते जितेबाला देखा कि ब्रह्मास्त्र जितेबाला शत्रुपक्ष बड़ चेतावनी कहींपर एवं एयर चीफ मार्शल भी आर चौधरी जितेबाला जहाँ कहते आप शुणुले जितेबाला ब्रह्मास्त्र शत्रुपक्ष बड़ चेतावनी विशेष करके चीन और पाकिस्तान पर भारत ब्रह्मास्त्र नहीं सूचना देखते भारत वायुसेना मुख्य भी आर चौधरी और ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक मिसाइल और सुखोई 30 मिशा फल ब्रह्मास्त्र आप अनुमान करूँ ये के विपज्जनक शत्रु कि जहाँ भारतीय वायुसेनार क्षमता को आहरी बढ़ाई देव जेकोसी संघर्ष में भारत दक्षता को आहरी सुदृढ़ कर तो आग को आहरी मारात्मक हो कारण प्रस्तुत होती ब्रह्मास्त्र आडवांस भर्सन
तो भिआर चौधरी एयर चीफ मार्शल भिआर चौधरी विस्तृत भाव में कहते हैं सुपरसोनिक क्रूज जमी मिजाइल ब्रह्मोस तार जब विशेषत्व कह प्रस्तुत होहरी विपज्जनक ब्रह्मोस तो आडभांस वर्सन आकार में ये हूँ क्षुद्र जितेबाड़े ब्रह्मोस कथा कहता सहित मारक क्षमतार अधिक हो मारात्मक टार्गेट को अति सठिक भाव में हिट कर एवं भारतीय वायुसेनार क्षमता आहुरी बढ़िबो कहीं अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल हो ब्रह्मोस आउ बंची पारिबेनी कौनसी शत्रु एवं अतुलनीय फाइटर जेट कथा कहिबा प्रस्तुत होउची आहुरी विपज्जनक ब्रह्मोस एवं जदि विशेषत्व कथा आमे आलोचना करूछु ध्वनि स्पीड रे 7 गुणा अधिक माने मैक्स 7 को मध्य टपिचबो आमे ए संपर्क अधिक आलोचना करिबा को वर्तमान मो सहित जोडी होचंती कमांडर तुषारकांति रथ होचंती पूर्वतन वायुसेना अधिकारी एवं मो सहित अछंती मो सहयोगी विक्रम मध्य अछंती न्यूज रूम रो जोडी होचंती विक्रम जेतेबेले भारत हाथ रे बे ब्रह्मास्त्र आमे सुनुतिलु किस्तम पूर्व प्रतिक्रिया वायुसेना मुख्य बड़ बयान देइछंती तो ये ब्रह्मोस कौन टी दर्शक मान को प्रथम कहे कि ब्रह्मोस रही निजे एयर कमोडोर तुषारकांति रथ आम सहित अच्छा से वायुसेनारे अनेक दिन धरी काम करछंती एयर कमोडोर भावे तेबे गोटे कथा से भी जानते समस्ते दर्शक मान जाना दरकार जे ब्रह्मोस जो रही रुषियान टेक्नोलोजी निर्मित एवं रुषियान टेक्नोलोजी रुषिया जो सुखोई रही तो एथिरे भी रुषिया टेक्नोलोजी रही ब्रह्मोस भी रुषिया टेक्नोलोजी रही तेणु उभय मिसी वर्तमान गोटे सुपर पावर माने बड़ पावर बा बड़ शक्ति परिणत होती वायुसेना जदि मुझ ब्रह्मोस कथा कह ब्रह्मोस जो भर्सन रही वर्तमान यार आडभांस भर्सन तैयारी चलती है यार बेग मैक्स 7 ठार अधिक हम किपरि से वर्तमान उद्यम चली तार आडभांस जो भर्सन अच्छी तार निर्माण चली जितेबाला मैक्स 7 भाया होग से पखापाखि 9000 किलोमीटर प्रति घंटा आप चिंता करूँ 9000 किलोमीटर जहाँकि शब्दर ध्वनि ठारू पाखापाखि 3 गुणा बा 2.8 गुणा अधिक हम अर्थात ये गला बोली मिसाइल जना पड़ ना शब्द हम ना ये अधिक स्पीड रे गति कर विकास करे किए भारत आ रुषिया मिसिकी एथिरे भारतीय जो डीआरडीओ रही डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये काम करुच्ची आईआईटी माने काम करुच्ची एवं भारतीय विज्ञान संस्थान बा आईआईएससी एमाने मिसिकी यार विभिन्न कंपोनेंट सब तैयारी करुच्ची बा डेवलप करुच्ची डीआरडीओ रो 55% तार अंशीदार रही डीआरडीओ मुख्यतः सबकि निर्माण करुच्चे कि आईआईटी और आईआईएससी सहायता नहीं द्वितीय कथा हूँ ये जो ब्रह्मोस संपूर्ण भाव रेडी 7-10 वर्ष तार टार्गेट पीरियड था यूर 5 वर्ष अलरेडी जा सारा पाखापाखि 4-5 वर्ष जा सारा तेणु आउ 3-4 वर्ष मात्र 3-4 वर्ष भितर ये जो सुपरसोनिक मिसाइल अच्छी या हाइपरसोनिक मिसाइल परिणत हो तेणु वर्तमान सुपरसोनिक अच्छी वर्तमान सुपरसोनिक पावर को नहीं जहाँ कहते वर्तमान वायुसेना मुख्य जदि चिंता करूँ हाइपरसोनिक होते मारात्मक न हो एवं द्वितीय कथा हूँ याकु कोठु कोठु उत्क्षेपण करमती आम जाणिले एयर चीफ मार्शल कहिले जे सुखोई 30 रु यार जो पावर मिसीगला परे सुखोई 30 सह ये गोटे महाअस्त्र परिणत होई किंतु केवल सुखोई 30 नुहे अन्य फाइटर जेट्रे भी याकु प्रयोग करसेम्बल करा विभिन्न जहाज जो सीप रही मुकबिला मुतयन कर विभिन्न बुड़ा जहाज में मुतयन कर भूपृष्ठर उत्क्षेपण करदि आम कह ये जल स्थल आकाश ये सबू स्थानूक उत्क्षेपण करेणु से जो सुखोई 30 वर्तमान जहाँ जो ब्रह्मोस मिसी उभयर शक्ति देखा कि उत्क्षेपण करम आप बर्तमान आम सहित एयर कमांडर तुषारकांति रथ अच्छा पूर्वतन वायुसेना अधिकारी एयर कमांडर रथ ये आम कहीपर कि भारत हाथ में जितने ब्रह्मास्त्र तो या द्वारा भारत को एकाधिक सुविधा मिलवा जाऊँगी आग को कि सुविधा मिल पार एवं ये के बड़ा उपलब्धि आम पाई कि दर्शक मानू जय हिंद आपंक चैनल को धन्यवाद देवाक चाहिए जे भाई गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आपड़शा देशवासी को अवगत कराऊँ जगन्नाथ कृपार ओडिशा रे बहुत शांति से लगे आम लोक भावती ये युद्धफुद विषय जानवा दरकार ना किंतु आजिका ग्लोबल जहाँ सिचुएशन है जो उठी कौटी लड़ई हेले भी समस्त प्रत्येक नागरिक लाइफ दैनन्दिन जीवन जोटा एफेक्ट होमर जानवा दरकार आमर स्ट्रेंथ के आमर वीक एरियाज कौन डिफेन्स आमर कौटी आम अच्छू आम इम्प्रूव करने को एने आम प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप कौन सब करुचु
जो ब्रह्मास्त्र आपण कहले सेटा बिल्कुल ठीक ना दे ब्रह्मोस मिसाइल रु ए वर्डटा आपण आनी आगो को जाकि जो रेट्रे आमर एटा गोटे सक्सेस बोली प्रूव होती सेटा आमको निश्चय बहुत बलशाली बनेब ता आगर मुझे कह चाहेबी आमर डिफेन्स सिचुएसन विषय ओवरअल पिक्चर देवाक आपण मैंने जानते आम दुटा हस्टाइल नेबर अच्छा गोटे चाइना गोटे पाकिस्तान चाइनार बॉर्डर 3488 किलोमीटर्स अच्छी 2000 किलोमीटर उपर पाकिस्तान सांगे अच्छी दिहे जाक सब आम कुदृष्टि पकई से लगे आमको सब टू फ्रंट वार प्रिपेयर्ड रहिबाकु पड़िबो एथिपई समस्त जानते इकोनॉमी वाइज चाइना आमठू पांच गुणा जदि मिलिटरी सामर्थ्य देखिए सी आमठ तीन चार गुणा बेसी बलोत्तर पाकिस्तान को आम टैकल कर किसी असुविधा ना कि चाइना आमर आज का तारीख में गोटे मेजर थ्रेट जब दिहेजाक एकाठी बेले अटैक करेंगे सेतबेले आमको प्रिपेयर्ड हो रहा पड़ो आम पाखे आज का तारीख में जहाँ प्रिपेयर्डनेस अच्छी सेटा टिके लेस दैन डिजायरेबल जथा मु कहबी एयरफोर्स आमर 45टा 42टा फाइटर स्क्वाड्रन होगा कथा एने 30 रु कम अच्छी ए दिगरे आम एने कौन प्रचेषा चलईे ये जो मिसाइल कहले अब्दुल कलाम आमर मिसाइल मैन प्रेसिडेंट जी थे लीडरशिप रे आम जो सक्सेस अचीव करचे ओडिशावासी एथरे निश्चय गर्वित हवा दरकार चांदीपुर गोटे आमर मेजर टेस्टिंग बेस डेवलपमेंट बेस जो है आउ वेरियस काइंड ऑफ मिसाइल्स आमर बलवत्तर आमको करुची आम एने आत्मनिर्भर होगा चेष्टा करतीय उपाय किसी ना आमर डिफेन्स जो रेट्र प्रिपेयरनेस दरकार ताकु करिवाकु हेले आमको आत्मनिर्भर होबाकु पड़िबो एने आमे एयर कमांडर रथ हम सहयोगी विक्रम किछि कहबाकु चाहौछथि गोटिए कथा आमे ए आत्म सर गोटिए कथा मु जानिबा पई चाहौछि जे सुखोई 30 रु एयर प्रयोग करा जइबो जहाकु कहउछथि एयर चीफ मार्शल जहा कहिले जे सुखोई 30 सहित मिसिगले ए जो कॉम्बो अछि ये गोटे माने आमर फाइट पावर को आमर फायर पावर को बहुत गुणा बढ़े दिछि कहीं आपन तो निजे माने एयरफोर्स बहुत दिन आपंकर अभिज्ञता रही तो सुखोई 30 सेटा इटसेल्फ गोटे बड़ मिसाइल बोली ताको कहा जाए कहीं कह जाए से विषय टी आप दर्शक को कहतु हाँ आपड़ जहाँ कहले सेटा आज का तारीख में सुखोई 30 है मोर गोटे मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट एटा फाइटर हिसाब से भी कम कर अटैक हिसाब से भी काम कर पारिबो ग्राउंड इंटरसेप्शन भी काम कर पारिबो क्लोज एयर सपोर्ट आर्मी को भी काम कर पारिबो ता माने तार रेंज अच्छी सफिशिएंट से एनिमी टेरिटरी भितर पशिकरी तांकर जो गुड़ाक सप्लाई लाइन हला कि वाइटल एरियाज फ्यूल डम भेरिका ताकू अटैक कर पारिबो किंतु अटैक करिबा को तांकर सब एयरक्राफ्ट रे साधारणत तीनटा चारटा मोड थाए जेतेबेले आपण फाइटर टू फाइटर फाइट करचंती फ्रंट गन रे करि परिबे रॉकेट रे करि परिबे अन्य जो अटैक करिबे सेटा मिसाइल रे हबो कि बम रे हबो ए चारिटा जाको पई ए जो एयरक्राफ्ट रे आपण पॉड फिक्स करिकरी को मिक्स एंड मैच को रोल रे यूटिलाइज करबा को चाहंती सेटा आपण करंती सो सुखोई 30 आज का तारीख रे हमरो मल्टी स्क्वाड्रन्स अछि समस्त ट्रेंड हेकरी रेडी अछंती एटा हमरो मेन फोर्स आज कहले किसी अत्युक्ति हबनी एडिशनल आमे जो फाइटर मल्टी रोल पई करूचू निकटरे जेतबे आमे फाइटर टू फाइटर देखले निकटरे जेतबे आमे पाकिस्तान सीमा भितर पसी एयर स्ट्राइक करथिले बा आमर जो पीओके थे अछि सेटा जहाक पाकिस्तान कब्जा करछि ता भितर त एयर स्ट्राइक करथि सेतबे भी सुखोई रो दम देखिछि सारा दुनिया तेणु सुखोई किभली भाव में शक्तिशाली आपत तो कहले कि गोटे कथा आप मैंने जो वर्तमान कथा कह जाए सुखोई 30 सहित ब्रह्मोस पावर कम्बो मिसिले एटा काहे कि यार यार माने फाइट पावर बढ़े दी फायर पावर को वृद्धि करछि से विषय टिके दर्शक मानको कहंतु आपण भलो प्रश्न पचारले गोटे तो प्लाटफर्म ता माने सुखोई 30टा ओरिजिनल प्लाटफर्म सेटारु आपण ए चारटा मोड रे जहा जहा आर्मामेंट क्यारी करिवे तार कैपेबिलिटी सेतिकि से बढ़ेबो आमर मिसाइल किणिकी 100% बाहर जदि इम्पोर्ट करेंगे यहाँ बहुत कॉस्टली पड़ जाऊँगी आमको से लगे आमर एटा 10 वर्ष उपरे हलानी रशिया 25 वर्ष आज आम रशिया सांगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट अनुजाई आम मिसाइल डेवलपमेंट प्लान करिचु आउ एटा गोटे बड़ सक्सेस कारण फाइनली ओरिजिनली आम समस्त जानते ब्रह्मोस गोटे तार रेंज 290 किलोमीटर थिला आम टे हेवी बन ताको बड़ बनैलु सेटा लैंड बेस्ड तमें भूईरु आप फायर करते आम सुपरसोनिक मिसाइल आनलु सबमेरीन रु पानी रु लॉन्च करने को
ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଏୟାର ମିଡିୟମରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲଟା ଆଣିନଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଆକାଶ ମିସାଇଲ ଫାୟାର କରୁଥିଲୁ, ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି ମିସାଇଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ନିଜ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ମିସାଇଲ ସେଇଟା ଆମେ ଆକାଶ ବି ଆମର ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏନେ ବ୍ରହ୍ମୋସଟା ଏୟାର କମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆକାରରେ ଏକଦମ ଦେଖିବା କି କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବା କି ମାରାତ୍ମକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭର୍ସନ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମିସାଇଲର ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଇଏ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଦେଖିବା କି ଅଧିକ ସଠିକ ଭାବରେ ହିଟ୍ କରିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଆମେ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛୁ 450 କିଲୋମିଟର ଯାଏ, ଓରିଜିନାଲ ମଡ଼େଲ 290 କିଲୋମିଟର୍ସ ରେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏନେ 450 କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି Sukhoi-30, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ତେଜସ୍ ହେଲା, ରାଫେଲ ହେଲା, MiG-29 ହେଲା, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଏ ମିସାଇଲଟା ଟିକେ ଭାରି ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଠୁ ସ୍ଲିମର ଲାଇଟର ଭର୍ସନ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ବି ବେଶୀ ହେବ। ତାର ସ୍ପିଡ୍ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ 2.8 Mach, ତା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ଗୁଣା ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଠୁ ବେଶୀ ହେବ, ଆଉ ତାର ରେଞ୍ଜ ବି ଆକର୍ଡିଂଲି ବଢ଼ିବ। ଆମର ନିଜର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେ ମନ ସେତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବଢ଼ିବ। ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁପର ସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଯଦି ଆର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁକି ନା ଧ୍ୱନି ସ୍ପିଡ୍ରେ 7 ଗୁଣା ଅଧିକ, ମାନେ Mach-7କୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଯିବ ଏବଂ 7 ଗୁଣା ବେଗରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଗି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମୋସରେ ଯେଉଁ କନଭେନ୍ସନାଲ ୱାର୍ ହେଡ୍ ଅଛି, ଏ କନଭେନ୍ସନାଲ ଆମେ ଯଦି ୱାର୍ ହେଡ୍ କଥା କହିବା, ଆମେ ତାହେଲେ 200ରୁ 300 କିଲୋଗ୍ରାମର ଇଏ ୱାର୍ ହେଡ୍ ତା ସାଥିରେ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଚାଇନା ହେଉ କି ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 200ରୁ 300 କିଲୋଗ୍ରାମର କିଛି ବି ବିସ୍ଫୋରକ ଯଦି ପଡ଼େ ବା ହିଟ୍ କରେ କୌଣସି ମିସାଇଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ କ୍ରୁଇଜିଂ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି, ଇଏ ରହିଛି 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ତ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଅତି ପ୍ରିସାଇଜ୍ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ଇଏ ହିଟ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସର ପାୱାର କେତେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉ, ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତାର ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିଲାଗି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆମର ଫାଇଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ମଲ୍ଟିରୋଲ କମ୍ବାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛି MiG-29 କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟା MiG-29କୁ ଯଦିଓ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ବି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଆମର MiG-29 ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବେ ବି ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା Mirage-2000 ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ LCA ରହିଛି ବା ଲାଇଟର କମ୍ବାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ସେ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି ମାତ୍ର 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟଫଲ୍ ରହିଛି, ଯେ ଆମର ଯେତିକି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ରେଡ଼ି ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହାନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ରାଫାଲ, ଏବଂ ରାଫାଲର ପାଖାପାଖି 30ଟା ଆମ ପାଖରେ ରାଫାଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାୟୁସେନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଏକଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାଗତିକା ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ରଥ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ସୁଖୋଇ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିଶି ଏହି ମହାଅସ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଭାରତର ଫାୟାର ପାୱାର କଥା କହିବା ଦେଖିବା କି ଅତୁଳନୀୟ, ତୁଳନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଳିଚାଲିଛି ଭାରତକୁ, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଦେଖିବା କି ଅସମ୍ଭବ ଧରଣର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ବାୟୁସେନାର ଦକ୍ଷତା ଅନେକ ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା? ମୁଁ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଇନ୍ଏସ୍କେପେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହିବି। ତା'ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଯଦି ଆମେ ମର୍ଜ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ 2.8 Mach ବାଲା ଲାଇଟର ବି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବା, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଡିଫେନ୍ସଟା ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହୋଇଯିବ।
बाहर किणिकी प्रलंगड आम के स्टोर स्टक् रखिकी फाइट करपर कि आमर निजर सप्लाय लाइन में निज देश में मानुफैक्चर करवा लेस दैन 25% बाहर जो किणुं तार 1/4 कस्ट मानुफैक्चर करपर से आमर जिते दरकार से मानुफैक्चर करके युटिलइज करटोमेटिकाली आम डिफेडिंग पोटेनसीआलटा बहुत गुणा बढ़ीज ओइटा गोटे इनएस्केपेबल आउ नेसेसरी स्टेप फॉरवर्ड थिला सेटा आज टेस्ट कला परे कंप्लीट हेची जहा कहि चंती एयर चीफ मार्शल आ गोटे कथा कहि चंती जे आमे अंडरस्कोर करि परिबानी जे लॉन्ग रेंज जो मिसाइल रहिची लॉन्ग रेंज कैपेसिटी थाइकरी जो मिसाइल रहिची तार आवश्यकता को आमे अंडरस्कोर करि परिबानी एवं खास करी वर्तमान जो युद्ध सब चलीची जदि आमे कहबा यूक्रेन रशिया युद्ध कथा कहबा बा अलगा विश्वर अन्य भाग रे जो चलीची संघर्ष सेठी आमे देखुचे जे लॉन्ग रेंज मिसाइल रो आवश्यकता को आमे अनुभव करचे एवं भारत पई आगामी दिन रे तार जो आवश्यकता रहिची ताको आमे अंडरस्कोर करि परिबानी बोली से माने कैटेगोरिकली आ उपरे स्ट्रेस दिचंती काहे कि वर्तमान कोन केमती आवश्यकता रहिची ताको टिके दर्शकों को विस्तृत हर बुझै दियौं सर आमर दीटा जिनस अच्छी गोटे हला टैक्टिक्स गोटे हला स्ट्राटेजी स्ट्राटेजी सब बेले लॉन्ग टर्म आमर एम रखिकी आम प्लान करूँ से 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष आगुक भाविकी आम कौन रिक्वायरमेंट हम आगुक अकॉर्डिंगली आम स्टेप वाइज आज दिने दिने प्रिपेयर्ड हूँ ए वर्ष एतिकी डेवलपमेंट हम नेक्स्ट डे एतिकी डेवलपमेंट हम तापर एतिकी डेवलपमेंट हम आमर डिक्लेयर्ड पॉलिसी आज जाए थिला जे आम डिफेन्सीव पोस्चर में रहीबु जदि किए आमको अटैक करे ताहले ही आम रिप्लाय देबू से स्टेज रे निजर ये रे शॉर्ट रेंज आमर सब आर्मामेंट कहतु इक्विपमेंट कहतु खाली बॉर्डर डिफेन्स दरकार थिला किंतु आगुक आमर जमती स्ट्राटेजी करूचु लॉन्ग टर्म तमाने प्रिवेंटिव सेटा को ऑफेंसिव डिफेन्स भी आपण कही पारिबे तमाने आक्रामक डिफेन्स खाली आम घरे बसिकी जे चापुड़ाए मारिबो ताकु मारिबा नुह ताकु से हिम्मत करवा आगुरु ताकु गोटाए भैया जगेदेव आमर दरकार जे आमर ये पोटेनसीआल अच्छी जे से साहस करिवनी आमको अटैक करबा को सेथि लागि ए जो लॉन्ग रेंज मिसाइल कहउचंती आमे जदि आमर एठी बसिकी इवन एटा गोटे ब्रह्मोसर 450 किलोमीटर जदि आपण कहिले पाकिस्तान रो को हेले जगारे आमे ब्रह्मोस रे अटैक करि परिबा चाइना रो जो आमर टार्गेट आजिका तारीख रे दरकार 450 किलोमीटर से टार्गेट को आमे टार्गेट करिकी अटैक करि परिबा आपण माने जानिथिबे एने डिफेन्स सैटेलाइट भी एक्सक्लूसिव गोटे भारत लॉन्च कर सारलानी स्पेस को आमे गलेनी स्पेस डिफेन्स भी एने आमे गोटे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करबा को आमर कैपेबिलिटी आसिला तहले एयर कमांड रखो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी जे जदि लड़ाई का स्पेस हमर जो रणनीति होची लॉन्ग टर्म रे किंतु ए जो प्रस्तुत होची विपज्जनक ब्रह्मोस जो एडवांस वर्जन ये शत्रु पक्ष को पई केते विपज्जनक शत्रुपक्ष निश्चय विपदजनक दुटा जाक लाइटर वर्सन हेले आपण आमर जिते फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट अच्छे सबुथे आपको यूटिलइज करेंगे ऑटोमेटिकली आमर निज एयर स्पेस डिफेन्स डिफेंड करवा कैपेबिलिटी बढ़ ग्राउंड सपोर्ट रे आम आर्मी जो भी कह से एरिया टार्गेट अटैक कर एयर रु ग्राउंड को मिसाइल फायर करी बिहाइंड द एनिमी लाइन जाकि इंट्रोडिक्ट करपरिया जो गुड़ा पेट्रोल डंप अच्छी बम डंप अच्छी व्हीकल सप्लाय लाइन ट्रेन जो गुड़ाक आर्म्स एमिनेशन ट्रुप्स आणुचंती बॉर्डर एरिया को ताकु अटैक करपरिया सो आमर कैपेबिलिटी अनेक क्षेत्र रे सहायक हो सहयोग के विक्रम को जीवा के डिफेंस बट आल्सो ऑफेंस वर्तमान भरसा रे जेतु अधिक शक्तिशाली मिसाइल रो रेंज मध्ये अधिक शक्ति बढ़िबो जो कता एयर कमांडर रथ कहउचंती टारगेट को मध्ये सटीक भाव पर हिट मध्ये करि पारिबो तास तो गुरुत्वपूर्ण कथा है कि विभिन्न स्थान को नेबारे अधिक मध्ये सहज हेबो जो लेटेस्ट वर्जन को नेकी कोन कहबे देखंतु लेटेस्ट वर्जन जो हबो सेटा मु जेमति कहउतली जे एटा जल स्थल एवं आकाश मार्ग रु तीनटा जगह रु सेटा को प्रयोग करा जाई पारिबो तबे बड़ कथा होती जे आमे जेतेबेले कोनोसी गोटे फाइटर जेट सांगरे कोनोसी मिसाइल को आमे कंबाइन कर दोचे सेतेबेले तार रेंज बढ़ी जाउची जेमती सार कहले जे 450 किलोमीटर किंतु चिंता करंतु 450 किलोमीटर जेतेबेले से भूपृष्ठ रु फायर होउची किंतु जदि जल माने जल बा कोनोसी जहाजर बा बुडा जहाजर आमे फायर करबा आमे चीन रो अन्य पटे जाईकिरी धर जो साउथ चाइना सी है कि अलग कौन सी हेले तार अलग दिगर अटैक करपरिया कि फाइटर जेट जरिया जमी आम सुखोई कथ कहे किम पाखे राफेल अच्छी राफेल जब से कनेक्ट करें आकाश मार्ग में जाकिटा को फायर करपरिया तेज एसब रिस्क भी रही कि बड़ कथा हूँ जे ये मिजाइल सिस्टम आम रही
सबु प्रकार एनेबल्ड हेले सबु प्रकार तार जो स्टेशन रही जदि आम एनेबल्ड कर रखा तेल आमपाई कौ अपॉर्चुनिटी केतबेले खोलिबो जेतबेले आम जो कौन प्रकार संघर्ष स्थित को जाई थाउ सेतबेले युद्ध रे किछि नीति नियम न थाए युद्ध रे सबु किछि जायज थाए तेणुक कौ प्रकार परिस्थिति रही कौ प्रकार सुविधा व सुजोग आमको मिलिबो तात्कालिक परिस्थिति हि आमको माने डिसीजन नबाक होबो तेणु से सबु प्रकार परिस्थिति लागि आमको एबेठारु प्रस्तुत रहबाक होबो। द्वितीय कथा जदि आम कह सुखोई कथा कह मुझे सारे जाना चाहिए बर्तमान आम सुखोई 30 यूज करुचे सुखोईर 35 पर्यंत भी आम व्यवहार कले आमरी पाखे भारत में उपलब्ध अच्छी किंतु व्हेयर एज आम रशिया कथा जदि आम कह सुखोई 57 पर्यंत गला सुखोईर आडभांस वर्सन भी आसला तेल आम ये सुखोईर जो फाइटर जेट अच्छी आम आडभांस करने कौन कौन पदक्षेप नौचे से विषय टी सारे कहे भल प्रश्न पचारे नुआ हाँ अन्य देशर जिते सी लेटेस्ट फाइटर्स आपन को कहीं बिकबे कारण सेटा सिक्रेट स्ट्रेंथ है जोटा आमको अलरेडी देले से ट्राइड एंड प्रूफ्ड आनीचु आमर ये सुखयर 10 वर्ष 15 वर्ष आम यूज कलु आमर ताक अपग्रेड करने को आमर मार्क 1 मार्क 2 इंडिया ही आम अपग्रेड कर चलीचु तमें अपग्रेड्रे कौन टेक्नोलोजी से एडिशनल आपणकर रडार भी अपग्रेड करें नाइट विजन कैपेबिलिटी भी अपग्रेड करें आर्मामेंट कौन कौन यूटिलाइज करें मेनली फोकस आम करवा जदि आमको कौन सी कारण इम्पोर्टेड जोटा तांगे कंपाटेबल मिसाइल कि अन्य आम्युनेशन मिललानी आम निश्चय इंडियन जो आम पाखे अच्छी आम्युनेशन से एयरक्राफ्ट यूटिलाइज करवा दरकार यहाँ गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस आमर चली एथरे आमर आगुरु डिफेंस को सिक्रेट कर रखुले आजिकल प्राइवेट एंटरप्राइज टू आम एस विषय में बहुत हेल्प नौचु जमी आगुरी विक्रम कहते आम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रु कि अन्य जो IIT रु भी सहाय्य नहीं आर्मामेंट इक्विपमेंट यूटिलाइज कर ब्रह्मास्त्र ये चीन एवं पाकिस्तान को ये बड़ थ्रेट कही पार बहुत बहुत धन्यवाद एयर कमांड रथ और विक्रम सहयोगी विक्रम आपको बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सोच आलोचना को रखा नमस्कार।